पीड़ित परिवार ने लगाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की गुहार। वीरपाल सिंह निवासी गौहरपुर सुल्तानपुर थाना भोजपुर ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित वीरपाल सिंह का आरोप है कि दिनांक 1/10/2019 को लगभग रात 8 बजे एक स्कॉर्पियो कार आई, जिसमें 5 अज्ञात सवार लोगों ने वीरपाल को घर में घुसकर उसके पुत्र रोहित कुमार को जबरदस्ती खींचने का प्रयास किया। पीड़ित के शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग आ गए। लोगों को आता देख वे लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि मोबाइल में गाड़ी थाना भोजपुर पुलिस के कब्जे में है और भोजपुर पुलिस ने आज तक प्रार्थी का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। इसी को लेकर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? वीरपाल। वीरपाल जी, क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना मेरे साथ ही घटी। मैं खाना खा रहा था, खाना खाते समय मेरा लड़का अंदर बैठा हुआ था, मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, खाना ले रहा था। खाना लेने के बाद वो लड़के को 5 मंग आए उस कार की गाड़ी लेकर। लड़के को मैंने खींचता देखा, जबरदस्ती ले जा रहे थे। उधर से असुद्दीन और सतपाल सिंह आए, उन्होंने फोन मचा के गाँव को बुला लिया, जबरदस्ती जो है गाड़ी में डाल दिया। कौन लोग जो लोग आए थे वो आपके बेटे को खींच करके लेके जा रहे थे? जी, गाड़ी में आए थे वो लोग। गाड़ी में आए थे। तो आपने क्या करा उस टाइम में? मैंने साफ शोर मचाया था। तो वो लेके गए या नहीं? छोड़ा लिया था। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की थी? जी मैंने। कौन से थाने में की थी? मैंने इस्लाम नगर चौकी भोजपुर थाना तहरीर दी। तो क्या क्या कार्रवाई की? मेरे संबंध में कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। आज आप जो है कप्तान साहब के ऑफिस आए थे, किससे मिलने आए थे कप्तान? मैं कप्तान साहब से मिला। क्या कहा कप्तान साहब? कप्तान साहब ने बोल दिया कि कार्रवाई की।